ले फिर आ गए, गलत था नहीं लौटेंगे, गलत, जब तक इसको कम नहीं करेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। टिंकड़ी कहा लगता था नहीं लौटेंगे, ले फिर आ गए। आज फिर साइकिल चलाने को आया, आज फिर साइकिल चलाने को। हेलो गाइस, मैं हूँ विकास और आप देख रहे हैं विकास के यूट्यूब चैनल। और मैं अभी सुबह सुबह निकला हूँ 6 बजे से साइकिल चलाने को, हर रोज की तरह, सॉरी हर रोज की तरह नहीं, हर 5-6 दिन के बाद, हर 5-6 दिन के बाद अभी मैं साइकिल चलाता हूँ। लोगों को लगता होगा मैं साइकिल चलाना भूल गया, लेकिन ना है, मैं 5-6 दिन के बाद आता हूँ। 5-6 दिन का एक्सरसाइज एक ही दिन में करता हूँ, इसलिए 5-6 दिन के बाद आता हूँ। हवा ठंडी है, सुबह सुबह बहुत ठंड लग रही है, फिर भी साइकिल चला रहा हूँ क्योंकि वीडियो जो बनाना है व्यू के लिए, व्यूज। आज अपन चैलेंज है कि हात सोडून सायकल चालवली पाहिजे, ते पण अशी गियरवरची रेंजर, साधी सायकल हात सोडून कोणी चालवतंय, अशी गियरवरची सायकल चालवून दाखवा आणि कोणाकोणाला जमते सायकल चालवायला हात सोडून, ते पण कमेंट करून सांगा, जमत असले तर, नसल जमत तर घरी बसायचं, ते पण हात सोडून। असे लोक बघतात लगेच कॅमेरा दिसला की हे काय करतंय, हात सोडून काय स्टंट बिंट करत नाही। आयो, त्या चारचाकी गाडीत ना एक बाई चालली, ती बाई अशी वळूवळू बघते हे काय करतंय ते, त्या माणसाच्या तोंडावर बघतात काय, जसं की मी भारताच्या बाहेरनं चालू आहे कॅमेरा घेऊन असं तोंडावर बघतात। नावाला तुमच्या हाटी मांडाली सगळा उतार पॅंडल पण मारत नाही आणि हात पण धरला नाही, एकदम व्यवस्थित सायकल चालली, न पॅंडल मारता न हात धरता, एकदम जोरा सायकल चालली, जोरा, काहीच करायची गरज नाही। ह्याला म्हणायचं सायकलिंग, वातावरण खराब असतं, वातावरण। ट्रॅक्टरवाला गेला, ट्रॅक्टरवाला असा टकामका बघत होता, कुणाकडं, माझ्याकडं नाही, ह्याच्याकडं कॅमेराकडं, सायकलचा पॅंडल मारा हात नाही धरणार हात, कमीत कमी 4-5 किलोमीटर तर हात नाही धरत होता, विषयच नाही, धरायचाच नाही, हातच धरायचा नाही, हात सोडूनच काय असेल ते चालवायचे। फायनली आज मी वरकुट पाटीवरती आलेलो आहे, इथं हॉटेल बस थांबलोय, काय दम भरला आहे, इकडं आपली सायकल आहे, या ठिकाणी सायकल आहे, आता इथून रिटर्न जायचं आहे, सूर्य होतोय आणि इथं जवळच वरकुट पाटी आहे, त्याच्या अलीकडं थांबलोय,
दम खूप भरलाय इथून रिटर्न. अभी फाइनली मैं रिटर्न जा रहा हूँ. आज का मैं 15 किलोमीटर रनिंग उस टाइम उस उधर गया, मैं जाते समय 15 किलोमीटर गया और अभी मैं रिटर्न 15 किलोमीटर जा रहा हूँ. आज का 30 किलोमीटर का रन है टोटल. तभी साइकिल पे 30 किलोमीटर में 2 घंटे में तय कर चुका हूँ, मतलब तय करूँगा. अभी रिटर्न निकला हूँ, 1 घंटा 1.25 घंटे में मैं घर पहुँच जाऊँगा. तो आज थोड़ा फास्ट साइकिल चलाया मैंने, इसलिए इतना कम समय में ज़्यादा रन कटा है. और अभी ये गागर गांव है ना, ये गागर गांव के पास गागर गांव से गुजर रहा हूँ अभी आगे. ठीक है, अभी हाईवे से चल रहा हूँ मैं. जो सर्विस रोड था वो छोड़ के मैं हाईवे से चल रहा हूँ. हाईवे को साइकिल बहुत अच्छी चलती है, बहुत अच्छी भागती है, दौड़ती है. और सर्विस रोड में क्या है, खड्डे खुड्डे ज़्यादा है तो साइकिल ज़्यादा भागती नहीं, इसलिए मैं हाईवे से जा रहा हूँ. हाईवे से गाड़ियाँ ज़्यादा है, लेकिन अभी दिन हो गया है, कोई टेंशन नहीं है, इसलिए मैं अभी हाईवे साइकिल चला रहा हूँ. अभी देखो साइकिल का ये राड़ा हो गया है, साइकिल का ये लपड़ा हो गया है, चेन फिर से गिर गई, चेन फिर से गिर गई. चेन है ना, फिर बार बार गिरती है साइकिल की. ये चेन ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है. चलो, और ये हाईवे से गाड़ियाँ भी आती है. आज मैं हाईवे से निकला हूँ और चेन का देखो कितना प्रॉब्लम आ रहा है, चेन तो बार बार गिर रहा है, फिर भी बैठता नहीं है चेन. ये साइकिल चल रहा है, साइकिल चलने से चेन इतनी बार गिर रहा है. इसका एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है मेरे को समझ में नहीं आ रहा. कभी कभार ठीक चलती है, कभी कभार ऐसा गिर जाती है. अभी देखो ये ठीक हो गई है, हाथ तो इसने काले कर दिए, हाथ तो ये देखो काले हो गए पूरे. अभी आगे बहुत बड़ी ढलांग है और गाड़ियाँ भी बहुत आती है और साइकिल का प्रॉब्लम भी देती है, साइकिल बार बार प्रॉब्लम देती है. चलो चलते हैं, देखते हैं. निम की चढ़ को साइकिल की चेन पड़ गई है और मौसम भी साइकिल का टूट गया, मौसम भी बहुत टूट गया. मैं फास्ट आ रहा था लेकिन साइकिल का मौसम टूट गया और चढ़ को मेरे को जोर से पैंडल लगाना पड़ता है, इसलिए बहुत अड़चन हो रही है मेरे को. अभी कोई बात नहीं, जाते अड़चन होगी तो होगी, लेकिन जाना तो ज़रूर है. एवढं लांबून सायकल चालवून फायनली मी मालोजीराजे चौकात पोचलो आहे. लय फास्ट सायकल चाललो, एवढ्या जोरात सायकल चालले, दम भरला म्हणून मालोजीराजे चौकात पोचलोय. हो, या ठिकाणी मालोजीराजे चौक आहे आणि इथं बरोबर हराळी वगैरे आहे. मी या ठिकाणी बसलो मी म्हणतो थोडस कंटाळा आला सायकल चालवून. खूप या ठिकाणी मालोजीराजे चौकात सायकल आपण तिकडं चौकात उभा केली हायवेला आणि आराम करतोय थोडा 10 मिनटं आणि 10 मिनटांनी आराम करून बघा. एकदम लयवरनं विमान चाललं दिसतंय का तुम्हाला, दिसतात ना त्याच्यामध्ये, तिथून बारीक विमान चाललं बघा, एकदम बारीक विमान चाललंय लयवरती. मी इथं झोपून राहायचो आणि तिकडं माझी सायकल जायचं कोणतरी घेऊन रोडलाच उभा केली आहे. एखाद्याने गाडीवर टाकून नेली म्हणजे कुठं त्याच्या मागं पळत बसायचं, लय अवघड आहे. इथं थांबून काय माझ्यानं आपलं गेलं पाहिजे आता. जाऊया, या ठिकाणी निघूया.
साइकिलिंग से आते समय ये सब्जियाँ लेके आया हूँ मंडी से, खाली 50 रुपये में सब, खाली 50 रुपये का ही है सब।